मेन्स में आंसर लिखते हुए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उसमें से एक ये है जब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ ले एक टॉपिक का दूसरे पर रोल क्या है उसका इम्पैक्ट क्या है अफेक्ट क्या है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जैसे पूछ ले रोल ऑफ मीडिया मीडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं रोल ऑफ मीडिया इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी मीडिया एक उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जितना कि डेमोक्रेसी अब मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में दूसरा जैसे क्वेश्चन पूछ ले रोल ऑफ जैनिज्म एजुकेशन एजुकेशन में क्या रोल रहा अब हो सकता था ये क्वेश्चन रोल ऑफ बुद्धिज़म भी हो जाता तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको दो अलग अलग टॉपिक्स को रिलेट करके आंसर बताना है तो उनको आप एग्ज़ाम में कैसे टैकल करोगे कैसे उनमें स्कोर करोगे बेसिकली अप्लाइड क्वेश्चन में आप कैसे बेटर स्कोर कर सकते हो टू द पॉइंट इसमें चैलेंजेस ये आएंगे आपको नहीं पता आपको इंट्रोडक्शन जैनिज्म या बुद्धिज़म पर लिखना है या फिर एजुकेशन पर लिखना है मीडिया पर इंट्रोल लिखना है या डेमोक्रेसी पर लिखना है उसी पर हम बात करते हैं कुछ जो रियल टाइम क्वेश्चन हैं इस साल जो पूछे हुए हैं इसमें उनको देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली और इसको हम बहुत ईजी बना देंगे इन्होंने कहा डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक इंपॉर्टेंट थीम है ये आपकी मेन थीम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन एक्ट ये हम इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं इसका रोल बताना है किस चीज़ में इन कंटेनिंग द एब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजिशन बाई द एम एम एक डोमिनेंट पोजिशन रखती हैं उसकी वजह से कुछ इशूज़ आ रहे हैं तो एक ये इशू हुआ ये अलग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि एम एन सीज हैव डोमिनंट पोजिशन इन द इकोनिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया राइट उसकी वजह से कुछ एब्यूज uh, या एब्यूज कल्चर्स क्रिएट होते हैं डिस्कस वो भी एक चीज़ हो गई तो रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने पूछ लिया सपोज रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ लेता तो क्या आंसर होता है डिफरेंट होता देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन अभी हम आ, या तो हम एम के डोमिनेंट रोल और उसके अब्यूज़ पर लिख सकते हैं या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर लिख सकते हैं पॉइंट्स पे आते हैं पहले बॉडी पे इंट्रो कंक्लूजन पे बाद में आएंगे देखो अभी अगर मैं कहूँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भूल जाओ मैं आपको कहता हूँ डिस्कस द रोल ऑफ समथिंग अगर आपको एक अथॉरिटी दे दी है कि एम का डोमिनेंट रोल उसकी वजह से जो अब्यूज़ेज़ हैं उनको कंटेन करना है क्या करोगे राइट right? और रेफर टू रिसेंट डिसीजन ये तो बेसिकली एग्जाम्पल्स हो गए तो आप क्या करोगे उस केस में एम के डोमिनेंट पोजिशन को रोकने के लिए कंट्रोल करने के कुछ वे आउट आप ढूंढोगे इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट लेके आओगे रेमेडीज जो कुछ गलत प्रैक्टिसेस हो रही होंगी बिजनेस में वो आप लेके आओगे एडवोकेसी एंड अवेयरनेस लेके आओगे राइट इस तरह के कुछ पॉइंट्स लाओगे पॉइंट्स तो सेम है अभी मैं अगर आपको अब क्वेश्चन कर दूँ कि रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होगा अब आप बताओ कि ये इशू है मुद्दा ये है कि आपको डोमिनेंट पोजिशन ऑफ एम कंट्रोल करनी है अब उसमें सी का रोल अगर पूछे तो सी बता दो क्या करता है अगर इसमें पूछ ले सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या होगा वो बता दो जी एस फोर में केस स्टडी पूछ ले कि आप एक सिटी uh, के uh, यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैनेजर है या समथिंग इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तब आप क्या करोगे तो उसमें आप अपना रोल बता दो क्या करोगे मेनली डिफरेंट कहाँ जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ आएंगे सी इन्वेस्टिगेट करता है या एम ये हैं आप वहाँ दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी अगर जी एस फोर में एक एस एस डी पूछ ले तो आप कहोगे कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करूँगा रेमेडीज़ क्या है यहाँ पर सी सी आई रेमडीज़ ले आ सकती है ताकि एम एन सीज़ फर्दर डोमिनेंस ना लेके आए लेकिन यही सेम काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है यही सेम काम आप भी कर सकते हो राइट right? रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं बिजनेस प्रैक्टिस में चेंजेस लाना ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो राइट right? इस तरह से आप एक थीम पर मल्टीपल आंसर्स लिख सकते हो समझ आया आपको ये समझना है किस मुद्दे पर बात हो रही इसमें दो थीम्स हैं हम अगर यहाँ पर जाएं बिल्डिंग ब्लॉक में यहाँ पर मेन थीम फाइंड करनी है सेकेंडरी थीम पॉइंट ऑफ प्रोबिंग और इन्वेस्टिगेशन उसके बाद कीवर्ड और कीवर्ड हेल्पर तो ठीक है अलग बात है मेन थीम यहाँ पर क्या थी हमारी मेन uh, थीम थी कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सेकेंडरी थीम है ये अब आपको जो हेडिंग्स हैं जो पॉइंटर्स हैं वो आप इससे लेकर आओगे कि ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे आप ये इशू कंट्रोल कर सकते हो रोल ऑफ एक्स वाई जेड या ए बी सी राइट आपको ये मिला और एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं तब समझ आएगा आपको आ, ये वाला पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इन्होंने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटिड जुडिशल इंडिपेंडेंस ये आपकी एक थीम हो गई जुडिशल इंडिपेंडेंस एक उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जितना डेमोक्रेसी अब जुडिशल इंडिपेंडेंस अगर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटिड तो आपकी डेमोक्रेसी बचेगी राइट सपोज इसी क्वेश्चन को मैं मीडिया जो हमने स्टार्ट किया था मीडिया का कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया इज अ प्री ऑफ डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन पूछ लेता या फिर कोई और आप क्वेश्चन पूछ लो कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इज अ प्री ऑफ डेमोक्रेसी क्या डिफरेंस आएगा आंसर में यहां पर आप इंट्रोडक्शन या तो इस चीज़ से दे सकते हो जुडिशल इंडिपेंडेंस से या फिर आप डेमोक्रेसी में बता सकते हो कि डेमोक्रेसी ये ये होता है और अगर ऐसे इस टाइप की जुडिशरी मिल जाए तो वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है रिलेट करते हुए इंट्रो भी आप दे दोगे जो बेस्ट इंटरोज हैं वो ये है आपको एग्जाम्पल पर जाना ही नहीं कहीं नहीं जाना अब देखो अभी मैं आपको कहूँ इसको भूल जाओ मैं कहता हूँ रोल ऑफ समथिंग रोल ऑफ एक्स वाई जेड इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी या एज अ प्रीसैट ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अब देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे ज़रूरी नहीं कि वो आपके जुडिश्री या मीडिया से रिलेटेड हो अभी बात करेंगे जैसे डेमोक्रेसी के लिए आपको एग्जीक्यूटिव ओवर नहीं होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए अगर कहीं गड़बड़ है तो उसका फेयर एंड इम्पार्शल एडजुडिकेशन होना चाहिए जुडिशल रिव्यू अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड किए जाने चाहिए पब्लिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए डेमोक्रेसी में राइट इस तरह से सपोज अभी यहाँ पर मीडिया होता मीडिया के केस में क्या होता ये पॉइंट ट्रू है मीडिया एग्जीक्यूटिव ओवर के अगेंस्ट सेफ तो प्रोवाइड करती है ना सच्चाई बताती है आपको अब जब जुडिशरी की बात करोगे तो आप जस्टिफिकेशन जुडिशरी से दोगे अगर मीडिया की बात होती है आप मीडिया का जस्टिफिकेशन देते एंड एग्जाम्पल्स भी मीडिया का देते राइट यही डिफरेंस आएगा बस हेडिंग आपकी सेम रहेगी हेडिंग सेम है अगर जुडिशरी की बात की है तो जुडिशरी के बारे में आप पॉइंट्स लिख दो जस्टिफाई कर दो तो जब आपका हेडिंग सब हेडिंग फॉर्मेट में आप खेल रहे हो आपने एक हेडिंग लिखी है सब हेडिंग लिखी वो आएगा इसके लिए कि आप बहुत से बार आप लोग ये क्वेरी करते हो कि सर हम इस तरह से आंसर कैसे लिखें हम तो पैराग्राफ में लिखते हैं तो उसका तरीका ये है आप सिर्फ ये लिखना सीखो पहले कि डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो क्या है ये तो आपने पढ़ा है ना डेमोक्रेसी इम्प्रूव करने के लिए अब उसमें से देख लो कि ज्यूडिशी कैसे उसे एक्सप्लेन करेगी तो सेकेंडरी थीम है बेसिकली जो पॉइंट ऑफ प्रोबिंग है सेकेंडरी थीम है उससे आप ये वाली हेडिंग्स बनाओ एंड प्राइमरी थीम से उसको जस्टिफाई कर दो एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो रिलेट करते हुए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है ज़रूरी नहीं कि प्री रिकाइट ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हंड्रेड पॉइंट्स हो तो वो सबके सब वैलिड है जैसे आ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं मान लो एक पॉइंट लिख दूँ कि फेयर इलेक्शन होनी चाहिए या फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचना चाहिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए तो इसमें तो जुडिशरी का डायरेक्ट रोल नहीं है आप जोड़ तोड़ के किसी तरह कर दो ठीक है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर जुडिश्री कानून बना दे बट उतने डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ दो जरूरी थोड़ी है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने यार दस नंबर का क्वेश्चन है और आपको रिलेट करने के लिए एग्जाम्पल देने के लिए अगर आप छः सात पॉइंट भी लिख दे तो वेल एंड गुड कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ज़रूर जुडिशरी से रिलेटेड होंगे जैसे आप मीडिया में ये वाला पॉइंट नहीं लिख सकते हो ये वाला पॉइंट नहीं लिख सकते राइट right? लेकिन मीडिया में ये वाला लिख सकते हो फेयर एंड इम्पार्शल एजुटिकेशन बट वहाँ पर आप मीडिया ट्रायल वाली बात मत लिख देना ठीक है फंडामेंटल राइट right के प्रोटेक्शन में मीडिया अपना रोल प्ले करती है इस वे में आप आंसर राइटिंग करना सीखो तब ये वाले जो रिलेट करते हुए क्वेश्चन हैं वो आप कर पाओगे एक और क्वेश्चन देखते हैं तब और समझ आएगा जैसे ये क्वेश्चन पूछा वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एस सी ओ ये है इन लाइट ऑफ द एवव स्टेटमेंट ये तो था ही नहीं क्वेश्चन पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम इसको हम जीएस फोर और जी एस टू के परस्पेक्टिव में थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं बेसिकली क्या है मेन थीम तो एस सी ओ है या कॉन्फ्लिक्ट विद इन एस सी ओ है या वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्स विद इन एस अब क्या पूछा रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग समथिंग अभी अगर मैं कि रोल ऑफ इंडिया आप भूल जाओ अभी आप सिर्फ इतना करो कि हाउ कैन दिस इशू बी मिटिगेटेड बाई एनी वन कोई भी कैसे करेगा क्या तरीके हैं इसको करने के देखो इंट्रोडक्शन में हमने ये पहली लाइन जस्टिफाई की है कि वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसको अफेक्ट कर रहा है आप उसको बताओगे इसमें क्या है आपको एक लाइन दे दी कि हाँ ऐसा हो रहा है तो आप बताओगे कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है ये ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं बट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है इस पे बॉडी पे अभी अगर मैं कहूँ कि मिटिगेटिंग प्रॉब्लम्स विद इन द एस क्या तरीके होने चाहिए इसको हटा दो इंडिया का रोल तो एस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक वे आउट ढूंढने पड़ेंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए कुछ न्यूट्रल बैलेंसिंग एक्ट्स लेकर आने पड़ेंगे मल्टीलेटरल डायलॉग इनिशिएटिव्स लाओगे अब ये ध्यान रखना एस सी में जो तरीके हैं प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के वो इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन के होंगे तो कल के दिन एस पूछ ले आशियान पूछ ले कुछ भी पूछ ले सब में सेम चीज़ रहेगी इकोनॉमिक कोऑपरेशन लेके आओ कल्चरल हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग कल्चरल कनेक्ट लेके आओ पीस बिल्डिंग ये सारी चीज़ें ले आओ राइट पॉइंट्स तो सेम है अब अगर आपको पूछ ले कि आप इंडिया का कैसे रोल लेके आओगे तो आप बताओगे इंडिया के इस तरह का आप पॉइंट्स यहाँ बताओगे इंडिया न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहा है मल्टीलेट्रल डायलॉग में इंडिया के बारे में बताओगे इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इंडिया के इकोनॉमिक कारपोरेशन से लेकर हर एक चीज हर एक पॉइंट में आप इंडिया का रोल बताओगे अब सपोज ये क्वेश्चन पूछा होता है जी में सपोज ये पूछ ले रोल ऑफ अमेरिका अब अमेरिका एस का पार्ट नहीं कैसे करेगा तो पॉइंट्स तो यही रहेंगे ना कि अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करेगा बैलेंसिंग एक्ट लाएगा ये सारी चीज़ें लाएगा पॉइंट्स यही रहेंगे बट एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा कि अमेरिका ऑल कभी इसका पार्ट नहीं रहा है लेकिन एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर वो इसका पार्ट बन सकता है समझे पॉइंट्स अलग हो जाएंगे अब सपोज जी एस फोर में क्वेश्चन पूछ लेता कि सपोज आप इंडिया की तरफ से एक एस की समिट को अटेंड करने गए हो इन द कैपेसिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेट या इंडियन फॉर फॉरन सर्विसेज आई एफ एस ऑफिसर आप बन के गए हो अब ये प्रॉब्लम्स आई हैं आप क्या करोगे आप एक बार आंसर लिख के देखना ये जो हैडिंग्स हैं बस ये इनको सेम रखना एंड पॉइंटर्स चेंज करके देखना आपको समझ आ जाएगा एग्जेक्टली exactly मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ सिमिलर वे में जैसे अगला क्वेश्चन है देखो प्रीवियसली जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पर ये क्वेश्चन पहले पूछा है राइट right? जुडिशरी uh, वाला ये हमने देख लिया था डेमोक्रेसी जुडिशरी पहले पूछा हुआ है एस वाला जो क्वेश्चन है uh, ये आपको दिख रहा है एस में uh, पहले भी क्वेश्चन पूछे पहले एस की इंपॉर्टेंस पूछी थी वही सेम चीज़ अगर यहाँ पे एस की इंपॉर्टेंस पूछी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है एस की इंपॉर्टेंस पढ़ना अब इंडिया के लिए क्या है इकोनॉमी के लिए क्या है वो अलग चीज़ है एस का रोल क्या है एससीओ में मिटिगेशन जो है प्रॉब्लम्स का मिटिगेशन उसमें किन मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं उनका रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए सिमिलर वे में जो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा अब ये क्वेश्चन देखो इंडियन डायस्पोरा जो मैं कह रहा हूँ ना कि अलग अलग चीजें पूछ रहा है बट आंसर सेम है जैसे इन्होंने पूछा इंडियन डायस्पोरा इस साल वेस्ट में पूछा इंडियन डायस्पोरा वेस्ट में बहुत बढ़िया काम कर रहा है इसके इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल बेनिफिट बता दो इससे पहले दो में क्या पूछा इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स एंड इकनॉमी यही पूछा है इन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री में पूछा है तो वेस्ट तो खैर एक ही चीज हो गई इससे पहले क्या पूछा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की इकोनॉमी एंड सोसाइटी में राइट तो अब सपोज इकोनॉमी वाला पॉइंट हम लेते हैं यहां पर यहां भी पूछे साउथ ईस्ट एशिया सोसाइटी का पॉइंट लेते हैं सपोज आपको सेम आंसर लिखना है कैसे लिखोगे देखो साउथ ईस्ट एशिया का भी देख लेते हैं और ये जो वेस्ट वाला यूएसए वाला ये भी देख लेते हैं तो इंडियन डायस्पोरा ने न्यू हाइट्स अचीव किए हैं वेस्ट में ये तो आपका इंट्रो में चला गया ठीक है बढ़िया बढ़िया काम किया है बहुत बढ़िया है अब इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंडिया एक डायस्पोरा जो बंदा बाहर रह रहा है इंडिया के लिए क्या इकोनॉमिक बेनिफिट करा के दे सकता है अभी भूल जाओ आप वेस्ट में ईस्ट में कहाँ है रेमिटेंस ला के दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है टूरिज्म को बूस्ट करा सकते हैं कल्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ट्रेड कनेक्शन बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे राइट सिमिलर वे में पॉलिटिकल बेनिफिट है पॉलिटिकल बेनिफिट में डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हो गया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन हो गया कल्चरल डिप्लोमेसी डायस्पोरा का इंगेजमेंट पॉलिटिकली क्या है इस तरह के आप देखो लॉबिंग करा के दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने में पॉलिटिकली रोल प्ले कर सकते हैं क्राइसिस के टाइम पर सपोर्ट कर सकते हैं तो ये आपको देखने को समझ में आ रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट कोई भी डायस्पोरा क्या करा के दे सकती है यही हो सकते हैं अब इन्होंने पूछा है वेस्ट का वेस्ट से क्या है आप वेस्ट का एग्जाम्पल दे लो कि इंडिया की जो वेस्ट की डायस्पोरा है वो इतने पैसे लेकर आती है ठीक है अगर आपको ये पूछा है वेस्ट का एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल्स में जाओगे सिलिकन वैली वेस्ट के एग्जाम्पल लेकिन अगर पूछा हो तो साउथ ईस्ट एशिया दूसरा क्वेश्चन तो आप उसमें एग्जाम्पल्स या जस्टिफिकेशन वहीं दोगे आपको क्या लगता है अगर साउथ ईस्ट एशिया में आप ये वाला पॉइंट लिख दोगे कि कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री तो आंसर सही हो जाएगा नो आंसर गलत है एग्जाम्पल्स आपके डिफरेंट होंगे जस्टिफिकेशन डिफरेंट होगा बट यहाँ देखो जस्टिफिकेशन भी सेम है डायस्पोरा ब्रिंग बैक एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज अब अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया में ये लिख दूँ कि रियल इस्टेट के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो रियल इस्टेट के एक्सपर्टीज़ लैसे हीरा नंदानी उन्होंने क्या किया सिंगापुर गए वहाँ पर उन्होंने देखा कैसे बिल्डिंग्स बनती है इंडिया में क्या है पहले घर बना दो अब रोड बना दी अब रोड खोद के सीवर लाइन बना दी अब सीवर लाइन डल गई है रोड वापस बना दो अब रोड खोद के टेलीफोन लाइन डाल दो ऐसा नहीं होता उन्होंने क्या किया सिंगापुर में जो प्लानिंग थी वहाँ जाके उन्होंने देखा जब भी कोई सोसाइटी बनती है एक प्लॉट लिया जाता है वहाँ पर पुलिस थाना बना वहाँ पर सीवर लाइन बनी टेलीफोन लाइन बनी बिजली खिलाइन सब हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स लास्ट में होगा ये चीज़ वहां से सीख क्या है अब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कह लो या आइडिया ट्रांसफर कुछ भी कह लो बेसिकली एक्सपर्टीज और नॉलेज जो आप लाए थे हो सकता है कि वेस्ट से आने वाला जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से लाने वाली एक्सपर्टीज अलग है एंड ईस्टर्न वर्ल्ड से लाने वाली एक्सपर्टीज अलग है इस तरह से चीजें डिफरेंट हो जाती हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जैसे जी वन में पूछा है इस बार का क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशंट इंडिया राइट अभी अगर मैं ये कह दूं रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया राइट क्या डिफरेंस आ जाएगा जोग्रोफी जोग्रोफिकल फैक्टर्स क्या है ज्योग्रोफिकल फैक्टर्स के अलावा सपोज ये क्वेश्चन पूछ लिया था पोलिटिकल फैक्टर्स पॉलिटिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ यूएसए या रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ यूएसए क्या डिफरेंट आता टोपोग्राफी की बात आप करोगे क्लाइमेट की बात करोगे रिवर की बात करोगे ये सारे जो पॉइंट्स लिखे रिसोर्सेज ने क्या रोल प्ले किया आइसोलेटेड है कंट्री कोस्ट लाइन है बायोडावर्सिटी एक्सेसिबिलिटी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आप लिख सकते हो एंडलेस नंबर है बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं इसके लिए तो आप सिलेबस में जाओ लेकिन एंशेंट इंडिया के बदले सपोज आ जाता मिडिबल इंडिया या मॉडर्न इंडिया तो उससे डिफरेंस क्या आएगा हो सकता है ये सारा पॉइंट सेम रहे लेकिन आपके एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे राइट right? इस वे में आप दो टॉपिक को रिलेट करते हुए आंसर्स लिखोगे मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है राइट right? फिर भी हम नहीं लिख पा रहे अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते तो लास्ट इस लेक्चर में जो हमें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है जैसे ये बोला सी इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस राइट इन इन लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट रोल ऑफ आई एम ओ आई एम ओ बताना है इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट एंड एनहसिंग मेरीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अभी एक नया क्वेश्चन है डेफिनेटली लेकिन क्या ये जेनली नया क्वेश्चन है मैं आपको दे, बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन कभी भी नए नहीं, नहीं होते और जब ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ाओगे उससे बेटर होता हूँ आप हंड्रेड परसेंट ट्रू पॉइंट्स लिखोगे सपोज मैं ये कहूँ कि ये प्रोटेक्टिड इन्वायरमेंट की, की बात कर तो ऑब्वियसली मेरीन इवायरमेंट की बात कर रहा है क्योंकि सी है अभी आप एयर पॉल्यूशन के ऊपर लिख दो तब तो फिर बैठे रहो अभी मैं बात करता हूँ मेरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भूल जाओ रोल ऑफ आई मैं कहता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपका मेरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा ये तो आप लिख सकते हो कि शिप एमिशन हमें रोकने चाहिए बेलस्ड वाटर मैनेजमेंट ये क्या होता है सपोज uh, आपका ये जहाज़ है इसमें क्या है कि uh, इस तरह से होता है ना सपोज uh, आपने यहाँ कुछ सामान लोडिंग कर दी राइट right? यहाँ लोडिंग कर दी यहाँ लोडिंग कर दी तो क्या होगा एक तरफ को इम्बैलेंस हो जाएगा ये जहाज जिस तरफ को झुकने लगेगा तो यहाँ पर इस तरफ को पानी भर दिया जाता है अब सपोज इंडिया कोलकाता से लोड हुआ था यहाँ कोलकाता का पानी है राइट अब जब ये अनलोड करोगे ये वाला हटाओगे तो वापस से ये क्या है ये यह यह यहाँ को हैवी हो जाएगा तो हम ये इस पानी को निकाल देते हैं सपोज़ कोलकाता से आपका सिडनी गया तो कोलकाता का पानी सिडनी में चला गया बेसिकली उसको हम बैलेंस वाटर कहते हैं तो अब उसकी वजह से क्या इन्वेजिव स्पीसीज आ सकती है पॉल्यूशन आ सकता है बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जरूरी नहीं आप ये लिखो मुझे याद आ गया मैं लिख दिया शिप एमिशन आप रोकोगे मेरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बैलेश वाटर मारपोल कन्वेंशन ठीक है ये नहीं आपको अगर आता हो कोई सा कन्वेंशन तो आता होगा मेरीन शिपिंग कन्वेंशन ये तो आते हैं एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स तो पता है पोलर कोड नहीं पता तो कोई और से कोड पता होंगे राइट मेरीन प्लास्टिक वेस्ट को गवर्न करना है वो पता है सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन करना है राइट right? इस वे में सिमिलरली अगर आपको ये पूछ लिया जाए दूसरा पार्ट कि मैरीन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आपको इन्हांस करनी है तो उसके क्या तरीके हैं सेफ्टी uh, के कन्वेंशन हैं ग्लोबल मैरीटाइम एक सिस्टम ले आओ पता है तो ठीक है नहीं है तो छोड़ दो कोई बात नहीं सिक्योरिटी ऑफ पोर्ट एंड शिप करोगे आपको मेरी टाइम सेफ्टी के लिए करना है सिक्योरिटी के लिए करना है अवॉइडेंस uh, जो होगा कोलाइड होने की वजह से उसको आप uh, करना चाहोगे एक्सीडेंट uh, जो हैं हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन करना चाहोगे इस वे में आप देखोगे बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर है अब रोल ऑफ आईएमओ पूछा है अगर आपको पता है इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ये इन सब में काम करती ही होगी डेफिनेटली सपोज मैं अभी पूछ लूँ रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट तो क्या लिख दोगे रेगुलेशन ऑफ शिप एमिशन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे बनाए कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा आई एम ओ ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि शिप के जो एमिशन है वो रुक जाएं। आई एम ओ ने इसको रेगुलेट किया आई एम ओ इसके लिए काम करता है आई एम ओ इन सबके लिए काम करता है सिमिलर वे में अगर ये मैरीन प्लास्टिक वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो क्या ये इंडिया का रोल अगर पूछ लेता तो ट्रू नहीं होता तो आई एम ओ से कुछ भी नहीं हो जाएगा चेंज कुछ भी नहीं हो जाएगा क्वेश्चन इज नॉट अबाउट आई एम ओ ये ध्यान रखो क्वेश्चन इज अबाउट आपको मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है यह क्वेश्चन नंबर वन एंड मैरीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन्हांस करनी है क्वेश्चन नंबर टू तो दो क्वेश्चन को आप इस वे में दो अलग अलग हेडिंग्स में आंसर कर देते हो अभी सपोज आपको ये आई एम ओ के बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बता दिया जाए या फिर मैं जी एस में एक केस स्टडी का क्वेश्चन दे दूं कि आपको हेड बन, बना दिया गया आईएमओ का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको मैरीन सेफ्टी पे काम करना आप क्या करोगे आप पायरेसी नहीं रोकोगे आप लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन नहीं करना चाहोगे ट्रैकिंग नहीं करना चाहोगे कि आपका शिप कहाँ गया एक्सीडेंट्स को आप इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहोगे कोलिजन बचाना नहीं चाहोगे ये सब करना नहीं चाहोगे डेफिनेटली करना चाहोगे बस वही आई करती है और नहीं करती है ना आपको नहीं पता तो करती होगी गलत नहीं है इस वे में आप आंसर राइटिंग करते हो तब आपको दो टॉपिक जो आते हुए टॉपिक्स हैं या फिर ना आता हुआ टॉपिक है वो अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टी नहीं होगी राइट यहां दो चीजें हो सकता अगर आई एम ओ के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता तो आपको लगता बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई यही तो दिक्कत है ना तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछना अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक ए टॉपिक बी उनको सॉल्व करने के लिए ये वाला लेक्चर देख जाना आप लिटरली मल्टीपल क्वेश्चन आधा पेपर सॉल्व कर जाओगे बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के दूसरों से इतने नंबर ज़्यादा लाओगे आई कैन नॉट कमेंट आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेन्स आंसर बिल्डिंग में बाकी जो फ्री लेक्चर्स हैं आप यहाँ देखो कुछ गाइडेंस लेक्चर्स हैं कुछ एस के लेक्चर्स हैं एंड कुछ जो पेपर uh, में क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए जी एस फोर में केस स्टडीज़ वगैरह कैसे सॉल्व करनी ये लगातार डिस्कशन चल रहे हैं एंड सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आप स्पेशल कोर्सेज में जाके ये कोर्सेज एक्सप्लोर uh, कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग